दोस्तों फाइनली आज हमारे पास आ चुका है सैमसंग का लेटेस्ट डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी A04। और आज हम करने पा रहे हैं इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग। यह फ़ोन ऑफलाइन मार्केट में लॉन्च हो चुका है। इसका अपग्रेडेड वर्जन A04S भी पहले से ही मार्केट में लॉन्च हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी A04 के बारे में, सब कुछ आपको बताएंगे डिटेल में। प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करें बॉक्स के ऊपर हाईलाइट फीचर्स की, तो बॉक्स के ऊपर आपको गैलेक्सी A04 लिखा हुआ मिल जाता है। नीचे की ओर आपको सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। बॉक्स के बैक साइड में दोस्तों आपको कुछ स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे, जिनमें बैटरी हार्डवेयर के बारे में आपको लिखा हुआ मिल जाता है। इसके अलावा और भी कई स्पेसिफिकेशन मेंशन आपको बॉक्स के बैक साइड में देखने को मिल जाते हैं। बॉक्स के नीचे की ओर आपको हल्के से बैक साइड पर ही प्राइस के बारे में भी देखने को मिल जाता है। इसका एक्चुअल प्राइस हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। बॉक्स के बॉटम साइड में आपको स्टोरेज के बारे में देखने को मिल जाता है। वहीं बॉक्स के इस साइड में आपको गैलेक्सी A04 लिखा हुआ मिल जाता है, एंड बॉक्स के इस साइड में आपको बिल्कुल ब्लैंक देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था बॉक्स के ऊपर कुछ हाईलाइट फीचर्स। अब हम करने जा रहे हैं इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग। देखते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या इनबॉक्स आइटम देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों बॉक्स को करते हैं हम ओपन। ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको मिलता है एक वाइट बॉक्स। इस वाइट बॉक्स के ऊपर आपको मिलती है सिम इजेक्टेड पिन, एंड इसके अंदर आपको मिलता है यूज़र मैनुअल गाइड। इसको रखते हैं हम साइड में। इसके बाद आपको मिलता है ब्रांड न्यू सैमसंग गैलेक्सी A04 फ़ोन, और इसको भी रखते हैं हम साइड में। एंड बॉक्स के अंदर अब आपको मिलता है एक फास्ट चार्जर, एंड इसके बाद आपको मिलती है USB टाइप सी डाटा केबल। तो दोस्तों बस यही सब कुछ आपको इनबॉक्स आइटम के रूप में इस बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। अब देखते हैं फ़ोन का फर्स्ट लुक कैसा है। तो दोस्तों ये है सैमसंग गैलेक्सी A04 का फर्स्ट इम्प्रेशन। यहाँ अगर डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर इस फ़ोन में कोई नया डिज़ाइन आपको देखने को नहीं मिलता है। वही डिज़ाइन आपको देखने को मिलता है जो गैलेक्सी M13 में हमको पहले ही देखने को मिल चुका है। बैक पर आपको प्लास्टिक का फ्रेम एंड प्लास्टिक की ही बॉडी देखने को मिलती है। अगर इस फ़ोन की वेट एंड थिकनेस की बात करें तो इस फ़ोन में आपको 9.1 mm की थिकनेस एंड 192 ग्राम का यह फ़ोन आपको देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा हाथों में आने पर यह आपको हैवी जरूर फील हो सकता है। अब दोस्तों इस फ़ोन की अगर फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो इस फ़ोन के बैक पर आपको डुअल रियर कैमरा एंड एक LED फ्लैश देखने को मिल जाती है। वहीं नीचे की ओर आपको सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। इसके बॉटम साइड में आपको स्पीकर, चार्जिंग पोर्ट, 3.5 mm जैक एंड एक माइक आपको देखने को मिल जाता है। इसके लेफ्ट साइड में आपको डुअल सिम स्लॉट का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आप 2 सिम एंड एक मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हो। इसके टॉप पर आपको सेकेंडरी माइक देखने को मिलता है। तो वहीं इसके राइट साइड में आपको वॉल्यूम बटन एंड पावर बटन देखने को मिल जाते हैं। इसके फ्रंट पर आपको फ्रंट कैमरा एंड एक कॉलिंग स्पीकर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये था इस फोन का फिजिकल ओवरव्यू। अब दोस्तों इस फ़ोन के अगर हम स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस फ़ोन में आपको 6.5 इंच की PLS LCD स्क्रीन देखने को मिलती है। यहाँ पर कोई भी रिफ्रेश रेट आपको इस फ़ोन की डिस्प्ले में देखने को नहीं मिलेगा। तो एक डिस्प्ले जो क्वालिटी होने वाली है वह आपको इसमें एक एवरेज डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिलेगी। वहीं इस फ़ोन में आपको गेमिंग के लिए MediaTek Helio P35 ऑक्टाकोर CPU मिलता है। काफ़ी ओल्ड CPU है, तो यहाँ पर भी आपको ज़्यादा हैवी सेटिंग्स की गेम प्ले करने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। वहीं इस फ़ोन में आपको 4GB की रैम एंड 64GB का स्टोरेज देखने को मिलता है। इसका एक स्टोरेज ऑप्शन और है 4GB रैम के साथ 128GB वाला। अगर इस फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो यह फ़ोन एंड्रॉयड 12 के साथ One UI 4.1 पर रन करता है। इस फ़ोन में आपको मिलती है 5 mAh की बैटरी। तो दोस्तों ये था इस फ़ोन का स्पेसिफिकेशंस। अब इस फ़ोन के अगर प्राइसिंग की बात करें तो 4GB रैम एंड 64GB वाला वेरियंट आपको 11,999 रुपये के प्राइस में आपको ऑफलाइन मार्केट में देखने को मिलता है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग इस फ़ोन में आपको जो स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं वह मुझे ज़्यादा बेहतर देखने को नहीं मिले हैं। अब यहाँ पर इस फ़ोन के कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो डिस्प्ले में आपको लाइट मोड एंड डार्क मोड का ऑप्शन मिलता है। वहीं नीचे की ओर आपको आई कम्फर्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वहीं सेटिंग्स में आपको वॉलपेपर एंड थीम का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस फ़ोन की अगर सिक्योरिटी की बात करें तो लॉक स्क्रीन में जाकर आपको पिन, पैटर्न, पासवर्ड एंड फेस लॉक का ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है, जो कि इस फ़ोन को बैकफुट पर ले जाने वाली बात रहेगी। इस प्राइस रेंज में अदर्स कंपनियां फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ फेस लॉक भी देती हैं, जो कि इस बार सैमसंग ने इस फ़ोन के साथ बिल्कुल भी नहीं दिया है।
अगर इस फोन के कैमरा की बात करें तो इस फोन के रियर पर आपको 50+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। फोन में आपको पोर्ट्रेट मोड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वही इस फोन के रियर से आप फुल HD तक का भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके फ्रंट पर आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। अगर इस फोन की पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो इस फोन के रियर कैमरे से आपको कुछ इस तरह की पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेंगी। इंडोर कंडीशन में आपको पिक्चर क्वालिटी में थोड़े ब्लरी कलर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा क्रिटिकल लो लाइट कंडीशन में आपको डिटेलिंग ज़्यादा अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, इस फोन के अगर हम कैमरा की बात करें तो आपको इस फोन का कैमरा एवरेज ही देखने को मिलेगा। ज़्यादा बेहतर इस फोन का कैमरा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, बस यही था आज की इस गैलेक्सी A04 की अनबॉक्सिंग की वीडियो में। अगर इस फ़ोन के ओवरऑल रिव्यू की बात करें तो इस फ़ोन का प्राइस 12,000 रुपये है, और 12,000 रुपये में आपको HD डिस्प्ले मिलती है एंड एक हीलियो P35 ओल्ड CPU मिलता है, जो कि मुझे इस फ़ोन के साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो ओवरऑल इस प्राइस रेंज में यह फ़ोन मुझे पसंद नहीं आया है। आप कमेंट कर सकते हैं इस प्राइस रेंज में यह फ़ोन आपको कैसा लगा। तो मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।